वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कैब का जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंड वी आर डिस्कसिंग मॉड्यूल ए चैप्टर वन, दैट इज एक्सचेंज रेट्स इन फॉरेक्स बिजनेस, उसका पार्ट फोर है ये, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, फॉरन एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है उसमें, और फॉरेक्स मार्केट्स किस किस फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है, एक्सचेंज अर्थमेटिक का कुछ बेसिक्स हमने देखा। अब हम फॉरेक्स डीलिंग रूम से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। डीलिंग रूम में फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस होता है, डीलर्स होते हैं, उनके क्या एक्चुअली रोल्स होते हैं ये सब हमने देखा। व्हाट इज द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस, फंक्शंस क्या है इसके, ये सब भी हमने देख लिया है, राइट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। तो हमने कहा था कि ये फॉरेक्स डीलिंग ऑपरेशंस और इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस करने के लिए इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस जो आरबीआई के हैं उन्हें फॉलो करना है, फेडाई के रेगुलेशंस एंड इंटरनल गाइडलाइंस जो बैंक के हैं उनको फॉलो करना है। तो इंटीग्रेटेड तरीके से हम इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई एज वेल एज फेडाई के कुछ जो प्रोसीजर्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअली बैंक्स एंड अदर एंटिटीज को फॉलो करने होते हैं इफ दे आर परफॉर्मिंग फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस। फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन सिंपल है, फॉरेक्स से अगर डील कर रहे हैं तो उन्हें अपने जो एक्टिविटीज है उनको फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस इस तरीके से डिवाइड करना होगा एंड दे हैव टू डू थिंग्स, तो उसको ही फॉरेक्स डीलिंग रूम कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आरबीआई ने इसकी लिस्टिंग दे रखी है कि डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो उनके हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए और जितना वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज हो रहा है उस सभी को संभालने लायक चाहिए। ऑल्सो एक्सेस रूल्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि किस किस कंपोनेंट का एक्सेस है एंड किस किस तरीके से उसे यूज करना है, इन चीजों से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू ऑल द थ्री, फ्रंट, मिड एंड बैक ऑफिस ऑफ द डीलिंग रूम, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा जो है वो मेंटेन करना है। नाउ फॉरेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज आप कर रहे हो तो दोनों जो पार्टीज हैं उनका डेटा आप ले रहे हो तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी, यानी कि प्राइवेसी मेंटेन करनी होगी, वो डेटा लीक ना हो जाए, ये सब देखना होगा। ऑल्सो ग्लोबल लिमिट्स एंड स्टैंडर्ड्स जो हैं इंटरबैंक डील्स से रिलेटेड उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इस चीज को इंश्योर करना है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंटेन करना है अगर आप डीलिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, बैंक का कैपिटल एंड अर्निंग्स परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। अप्रोप्रिएट वीएआर मॉडल्स, तो वीएआर मॉडल्स वैल्यू एट रिस्क, ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि इससे रिस्क जो है मेजर किया जाता है, तो अप्रोप्रिएट मॉडल्स होने चाहिए ताकि मार्केट रिस्क वगैरह जो है मेजर हो जाए और फिर उसके हिसाब से हम अपने जो एक्टिविटीज है उन्हें कैलिब्रेट कर सके। पीरियोडिक रिव्यू एंड वैलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल्स होने चाहिए ताकि वो रॉबस्ट रहें और ये मॉडल्स अच्छे तरीके से रिस्क को बताएं, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताएं, एंड देन इन चीजों के हिसाब से जो एक्टिविटीज हैं फॉरेक्स डीलिंग रूम के उन्हें स्ट्रीमलाइन कर सके। एवरी डीलर शुड बी एडवाइज्ड ऑफ द लिमिट, जो भी लिमिट्स है वो डीलर को पता होना चाहिए। डीलर एक्चुअली कौन है, फ्रंट ऑफिस में बैठता है और फिर ये डीलर सारे जो डील्स हैं, ठीक है, क्या क्या डील्स हो सकते हैं फॉरेक्स में, करेंसी रिलेटेड जो डील्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डील्स है, ये सब फिक्स करता है डीलर। तो डीलर को अगर लिमिट्स पता नहीं है कि कितना एक्सपोजर होना चाहिए, कितना हम जो है करेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनकी लिमिट्स नहीं पता है, स्टॉप लॉस लिमिट्स इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉप लॉस यानी कि इससे ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देर कैन बी लॉस इन द बिजनेस, ठीक है। तो वो एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, इससे ज्यादा इन्वेस्ट करने पे देर कैन बी लॉस। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज करने हैं। ऑल डील डन हैव टू बी विद इन द करस्पॉन्डिंग लिमिट्स, अलग अलग तरह के लिमिट्स है, स्टॉप लॉस लिमिट अभी हम देख चुके हैं, काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट, कंट्री वाइज एक्सपोजर लिमिट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन लिमिट्स को बैंक का जो भी बोर्ड है उसे फिक्स करना है एंड उन्हें फॉलो करना है।
इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉसेस, जिनके बारे में आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो इनको इवैल्यूएट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है उस पर्टिकुलर एंटिटी का, ऑथराइज्ड डीलर का, बैंक का, वो इवैल्यूएट करना है। एंड ये चीज जो है एवरी मंथ एज पर फेडाई जो है, एवरी मंथ आपको इवैल्यूएट करके उसका जो रिपोर्ट है वो देना होगा, एंड ऑल्सो क्वार्टरली बेसिस पर देना होगा। कई जो ऑथराइज डीलर है वो डेली बेसिस पर भी दे देते हैं, तो इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मिड एंड बैक ऑफिस का रोल क्या है विद रेस्पेक्ट टू फॉरेक्स डीलिंग रूम एक्टिविटीज, एंड ये जो गाइडलाइंस है वो दिया गया है। तो मिड ऑफिस हम ऑलरेडी जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सारे डीलिंग करते हैं, बट इन डीलिंग्स में कई बार रिस्क होता है, तो वो मिड ऑफिस सारा एसेस करता है कि रिस्क क्या क्या है, कितना कितना रिस्क है किस किस एक्टिविटी में, और उस चीज को इन्फॉर्म करता है टू द डीलर्स, ताकि डीलर्स उन लिमिट्स में जो है अपना काम कर सके, ताकि रिस्क जो है मैक्सिमाइज ना हो। अब कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस ये भी मिड ऑफिस देखता है, तो कंप्लायंस एक्चुअली सारे फ्रंट मिड एंड बैक ऑफिस तीनों ही देखते हैं कि आरबीआई से भी इन सभी के गाइडलाइंस को हम कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अब बैक ऑफिस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ये चीज बताई गई है, प्रोसेसिंग ऑफ द डील्स, अकाउंट्स, रिकंसिलिएशन, यानी कि जो डीलिंग तो हो गई है, रिस्क एसेस हो गया और उसके हिसाब से कैलिब्रेट कर दिया गया, बट बैक ऑफिस ये देखता है कि जो भी डीलिंग हुई है वो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। अगर बैक ऑफिस का काम सही से नहीं होगा, इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी लैक्स इनके एक्टिविटीज में हो जा रहा है, तो डीलर्स जो है उनके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, उन्होंने इतने मेहनत से डील जो है फाइनलाइज किया और वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, तो लोग फिर आगे डील नहीं करेंगे, है ना, तो डीलर्स के एफर्ट्स जो है नेगेट हो जाते हैं। कई बार डीलर्स इन चीजों का गलत फायदा उठा लेते हैं कि हो तो नहीं रहा है इम्प्लीमेंट, तो हम डीलिंग भी सही से ना करें, और मिस रिपोर्टिंग करते हैं कि हाँ हमने इतनी डीलिंग की, बट वो उतने डीलिंग करते नहीं है और इन चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो ये सब ना हो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई भी लैक्स नहीं होना चाहिए बैक ऑफिस के एक्टिविटीज में। तो बैक ऑफिस के एक्टिविटीज सपोर्टिव भी है, जहां पर डीलर को ये सपोर्ट कर रहे हैं, साथ के साथ चेकिंग रोल भी होता है इनका, ताकि डीलर जो है मिस रिपोर्टिंग ना करें, इस चीज को चेक भी बैक ऑफिस को करना होता है, राइट। तो ये कुछ रोल जो है बता दिया गया है, आगे हम और भी समराइज्ड वे में जो रोल है फ्रंट मिड एंड बैक ऑफिस का वो देखेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का इवैल्यूएशन भी करना है, ये चीज आरबीआई ने कहा है, तो आरबीआई ने एक्चुअली अप्रूव कर दिया है जो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर है जो फेडाई के द्वारा लाया गया था। तो इस स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर के हिसाब से फॉरेक्स के प्रॉफिट एंड लॉस कितने कितने हो रहे हैं वो ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं उन्हें कैलकुलेट करके एवरी मंथली बेसिस पर बताना। तो बैंक्स को यहाँ पर क्या करना है, जो कि ऑथराइज्ड डीलर्स है, मंथली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस जो फॉरेक्स में हो रहा है उसे कैलकुलेट करना है और वो रिपोर्ट करना है। इसके साथ साथ क्वार्टरली बेसिस पर भी जो रिपोर्टिंग है वो करनी होती है, एंड कई जो जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है वो डेली रिपोर्टिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें प्रॉफिट एंड लॉस इवैल्यूएशन से रिलेटेड आरबीआई ने कही है और इनको फॉलो करना होगा, राइट। फाइनली हम अगर समराइज करें कि फ्रंट मिड एंड बैक ऑफिस के क्या रोल्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट ऑफिस फंड्स मैनेज करता है, नॉस्ट्रो अकाउंट्स मैनेज करता है, फॉरेन एक्सचेंज एडवाइजरी मैनेजमेंट, ALM एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, एंड मैच्योरिटी मिसमैचेस अगर है तो उनको मैनेज करना, डीलिंग करना इंटरबैंक मार्केट में, ट्रेडिंग करना इंटरबैंक मार्केट में, और फिर कंप्लायंस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनसे कंप्लायंस होते हुए काम हो रहा है, यानी इस चीज को इंश्योर करना। अब मिड ऑफिस जो है मार्केट रिस्क, सारे सब तरह के रिस्क को असेस करता है, ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क, कंट्री रिस्क, ये सबको असेस करता है, ALCO कमिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज को भी देखता है, एंड टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने का जो
मेन काम है वो मिड ऑफिस के, यानी कि मिड ऑफिस चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, जहां पर फ्रंट एंड बैक ऑफिस एज वेल एज मिड ऑफिस रिस्क रिलेटेड जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर रहा है, और साथ के साथ कंप्लायंस जो है वो भी देख रहा है कि आरबीआई से अभी इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, खुद फेडाई के रूल्स एंड रेगुलेशन से उनको कंप्लाई करते हुए काम चल रहा है या नहीं। अब बैक ऑफिस क्या करेगा, डील्स जो भी उन्हें कंफर्म करेगा और उन्हें इंप्लीमेंट करेगा, सेटलमेंट करेगा डील्स का, यानी कि डील्स में क्या हो रहा है, बाइंग ऑफ करेंसी लेट से हुआ है तो वो करेंसी बाई हो रही है या नहीं, उसकी पेमेंट आ रही है या नहीं, पेमेंट गई है या नहीं, रीच हो गई है या नहीं, ये सारी चीजें सेटल करना, अकाउंटिंग ऑफ डील्स, रिकंसिलिएशन, ऑडिट फैसिलिटेशन, रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें जो है बैक ऑफिस के फंक्शंस है। इसके साथ साथ कंप्लायंस को भी देखता है बैक ऑफिस, तो तीनों ही फ्रंट मिड एंड बैक ऑफिस जो है कंप्लायंस से रिलेटेड चेक जो है रखते हैं अपने एक्टिविटीज का एंड बाकी दोनों ऑफिसेस के एक्टिविटीज का भी, ठीक है, क्योंकि रेगुलेशंस रूल्स जो है उनसे कंप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना उनसे कंप्लाई किए आगे अगर बढ़ेंगे तो वो लॉस हो जाएगा कंपनी के लिए, राइट। सो दीज वर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन को आंसर करिए, एज पर द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स एज इश्यूड बाय फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज फेडाई, बैंक्स नीड टू अंडरटेक प्रॉफिट और लॉस वैल्यूएशन ऑफ फॉरेक्स पोजीशंस एवरी डैश एवरी डे देखना है, मंथ देखना है, क्वार्टर या ईयर, ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंडेट किया गया कि एवरी मंथ आपको देखना है, सो बी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है, कुछ तो एवरी डे देखते हैं लेकिन एवरी मंथ जो है वो मैंडेटेड है। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ फॉरेक्स डीलिंग रूम, ठीक है, किसका फंक्शन है, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस या नन ऑफ द अबव, जो भी आपको सही लगता है प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन, इफ यू डिड यू कैन जस्ट मेक अ कॉल, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है यू कैन मेक अ कॉल 8146207241 पर, या फिर आप hello@edutap.co.in पर भी अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा बाय सेंडिंग अ मेल एट hello@edutap.co.in या फिर ड्रॉपिंग अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आपके कमेंट्स का, आपके मेल्स का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है, सो प्लीज डू गिव योर फीडबैक विद रिस्पेक्ट टू दीज सेशंस। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, सर इस चैप्टर में से क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में से क्या पढ़ना है, तो ये चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन सी द स्क्रोल बिलो, और यहाँ पर आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ऑल द फोर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है हमारे कैब के, उन चारों ही कंपोनेंट्स में ईच एंड एवरी चैप्टर में कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ में आपको पूरा अच्छा एक सुंदर सा पीडीएफ बना के दे दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज डू डाउनलोड दैट बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के प्रिपरेशन में। And all the best for your preparation. Thank you so much. Jai Hind.